छपरौली के वार्ड संख्या 12 के सभासद चुनाव में मिली हार को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई, वहीं आधा दर्जन लोगों को चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला छपरौली कस्बे का है, जहां मंगलवार रात्रि सभासद के चुनाव में मिली हार को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। इस संघर्ष में 40 वर्षीय गजेंद्र उर्फ फाटा पुत्र वीरचंद की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। घटना में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दो लोगों, रोहित पुत्र वेद सिंह व अमित पुत्र सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और तहरीर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिर दिनेश का लड़का आया मानविंदर, उसने भी मुझे बहुत बद्दी बद्दी गाली दी, जो मैं मीडिया के सामने बता भी नहीं सकता पूरी तरह से। ठीक है, मैं वहाँ से आ गया सीधा थाने में, मेरे साथ दो चार लोग और आ गए, हमने अपनी रिपोर्ट सपोर्ट लिखवाई, ये हुआ। इतने में फिर ये वार्ड 12 से मेंबर है, इनके घर कवाड़ तोड़ी, इनके घर पर हमला कर, फिर हमारा छोटा भाई था भूदेव स्वरूप वीर सेन, उसका फोन आ गया, उसके भी लट मारी। फिर मेरे साथ जो थे गजेंद्र था और मिंटू अश्वनी था और जी ध्रुव था, अनुज मेंबर था पूर्व, ये सारे भाग लिए, माखन था, ये सारे भाग लिए, फिर जाके इन पर हमला गया। वे तैयारी में थी। कितने लोग घायल हो गए, क्या कोई मृत्यु हुई है? क्या मृत्यु हुई है जी? गजेंद्र स्वरूप वीर सेन, उसको तलवार से काटा गया सारा, दो घायल हैं, अश्वनी स्वरूप सतपाल घायल है, भूदेव स्वरूप वीरसेन घायल है और छोटी मोटी चोट मेरे भी। वजह क्या रही झगड़े की? सर वजह तो ये थी, वो एक पार्टी वो है, एक हम है, 12 वार्ड से मेमोरी का इलेक्शन लड़ा, हम जीत गए, ये बैठे मेंबर वो हार गया। कौन थे, कौन हारा था, कौन जीतता कैंडिडेट था? ये हम अमित स्वरूप बालकिशन का लड़का मेंबर जीत्या, प्रभात स्वरूप मोनू उसके सामने हारे, मदन हारने वालों ने हमला कर दिया, हारने वालों ने हमला कर दिया।